सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट रिस्क एंड मैनेजिंग रिस्क। बट दोस्तों, आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ एक रिस्क फ्री प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल टाउनशिप एनजी प्लैटिनम सिटी वसई ईस्ट, जो एवरशाइन में प्रोजेक्ट है। 60 ईयर्स ओल्ड लेगेसी आरएनए डेवलपर का ये प्रोजेक्ट वसई स्टेशन से हार्डली 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं अभी हूँ। और ये है उसका एम्पी थिएटर, 20 प्लस एमिनिटीज के साथ में दोस्तों ये प्रोजेक्ट आता है। पूरा प्रोजेक्ट का टूर मैं आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो और पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और नए नए वीडियोज लाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एनजी प्लैटिनम सिटी वसई ईस्ट का प्रोजेक्ट। हेल्थ क्लब जिम्नेशियम अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट में बना है, इक्विपमेंट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। दोस्तों ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है लेकिन एमिनिटीज ऑलरेडी बन चुकी है। देखिए सारी की सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पे आ गई है। कॉम्प्लेक्स के एक्सटर्नल एमिनिटीज में अभी हूँ। ग्रीनरी के ऊपर डेवलपर का बहुत ज़्यादा फोकस है। अप्रॉक्सीमेटली 50% लैंड ये ओपन स्पेस में ट्रीज के लिए और एमिनिटीज़ के लिए रिजर्व्ड है और 50% लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा। मेरे साइड में है अभी ये हार्ड गार्डन। अगर ये आप इसका स्काई व्यू लोगे तो प्रॉपरली आपको हार्ड गार्डन हार्ड शेप में दिख जाता है। ये है बैठने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए ट्रैक, साइड में जॉगर्स ट्रैक ऑलरेडी क्रिएट किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है किड्स प्ले एरिया। दोस्तों किड्स प्ले एरिया में एक 20-25 किड्स होंगे कॉम्प्लेक्स में, तो खेल पाएंगे, इतना बड़ा किड्स प्ले एरिया है। और किड्स प्ले एरिया में आपको स्लाइड्स वगैरह सारे ऑलरेडी लग गए हैं। गजीबो की स्पेस, गजीबो के स्पेस के पीछे आपको मिल जाता है मल्टीपर्पज कोर्ट। इवनिंग आपको स्पेंड करनी है, किड्स आपके मल्टीपर्पज कोर्ट में खेल रहे हैं और आप यहाँ पे गजीबो में बैठ के आराम से रेस्ट कर रहे हो। ये मल्टीपर्पज कोर्ट में दोस्तों आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट के लिए पिच बना सकते हो, योगा डेक कर सकते हो, जो चाहिए वो एक्टिविटी आप मल्टीपर्पज कोर्ट में कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स में अंदर एंटर करने के बाद में जब आप आपके बिल्डिंग में आते हो तो पहले आती है आपको ये स्पेशियस लॉबी। लॉबी के बाद में आपको मिलता है लिफ्ट का स्पेस। लिफ्ट दो बिठाई है, शिल्डर की या ब्रांडेड लिफ्ट इसमें रहेंगी और फास्टेस्ट लिफ्ट रहेंगी इंक्लूडिंग पावर बैकअप फैसिलिटी। 450 स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट एरिया, सैंपल फ्लैट में मैं अभी हूं और ऐसा का ऐसा फ्लैट आपको मिलने वाला है। स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट, फेस्टिव सीजन, फुल्ली फर्निश्ड 1 BHK। लिविंग रूम की जो स्पेस है ना अप्रोक्सीमेटली 140 स्क्वायर फीट की है। एल शेप का लिविंग रूम है, डाइनिंग टेबल का स्पेस आ जाता है, साइड में बड़ा हमें स्पेस मिल जाता है। लिविंग रूम काफी स्पेशियस है, आप देख लीजिए एक बार लिविंग रूम को तो आपको आइडिया आ जाएगा, बिकॉज ये बिगेस्ट कारपेट एरिया है वसई ईस्ट में एवरशाइन में। ये लिविंग रूम देखिए दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, 1 BHK विद मास्टर बेडरूम है। कॉमन वॉशरूम में जो फिक्स्चर फिटिंग्स आपको देख रहे हैं, सारी की सारी फिक्स्चर फिटिंग्स वैसी की वैसी ही मिलने वाली है। बॉटम टू टॉप का जो हाइट है दोस्तों इसका, वो बहुत अच्छा है। अप्रोक्सीमेटली 9 फीट का आपको हाइट मिलने वाला है, तो आप स्टोरेज जो है घर में बहुत अच्छा और ज्यादा बना सकते हो। अभी दिखाऊंगा किचन, आइए। ये है किचन का स्पेस। किचन में हमें मिलते हैं दो प्लेटफॉर्म, एक है आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म और दूसरा आता है आपका चॉपिंग प्लेटफॉर्म। किचन कंप्लीटली मॉड्यूलर हमें करके मिलेगा। ये सारे ड्रॉवर्स जो आपको दिख रहे हैं ये मॉड्यूलर किचन डेवलपर की तरफ से हमें करके मिलेगा। पूरा का पूरा स्टोरेज जैसे दिखाया गया है वैसे ही डेवलपर की तरफ से हमें बना के मिलेगा। ऊपर ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, ऊपर के साइड में भी हमें स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, वो एडिशनली आप यहाँ पे बना सकते हो। किचन काफी स्पेशियस है, सारी की सारी ब्रांडेड फिक्स्चर फिटिंग्स किचन में हमें मिलेंगी। हाफ वॉल तक हमें टाइल्स लगा के देंगे, सारे जगह पे आपको फिक्स्चर फिटिंग्स दिए हुए हैं, एक्सेसरीज दिए हुए हैं, एंकर के एक्सेसरीज है और पॉलीकैप की इंटरनल फायर रेजिस्टेंस वायरिंग है।
किचन स्पेशियस है, बाकी के कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो किचन में इतना स्पेस नहीं मिलता है, बट मैं किचन के मिडल में अभी खड़ा हूँ, तभी भी देखिए मेरे साइड में एक एक फीट का स्पेस है, तो काम जो है वो आप आराम से कर पाओगे। आपकी घर की महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है और बेस्ट एमिनिटीज के साथ में मिलता है। अब मैं दिखाने वाला हूँ इसका मास्टर बेडरूम 1 BHK का। आइए, ड्राई बालकनी दोस्तों भूल गया था बताने के लिए आपको, तो ड्राई बालकनी दिखाता हूँ। ये है ड्राई बालकनी, ड्राई बालकनी का स्पेस जो है ना 3 feet की हमें बालकनी मिल जाती है। वॉशिंग मशीन रखोगे तो इनलेट आउटलेट कनेक्टिविटी आपको पूरा यहाँ पे बाहर ही मिल जाएगा, और ड्राई बालकनी के यहाँ से आपका बाहर का व्यू देखिए कितना औसम है। अगर इंटरनल फेसिंग फ्लैट लेते हैं तो पूरा गार्डन दिख जाता है। लिविंग रूम में हमें बालकनी है, बेडरूम में हमें बालकनी है, और किचन में तो बालकनी हमें मिल ही जाता है। बेडरूम साइज 10x12 का जंबो बेडरूम है। क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्वीन साइज का बेड, साइड में मिलेगा 2 door का वार्डरोब बना के, ऊपर का स्टोरेज स्पेस, ये आपका आएगा मिररिंग का इस साइड में पूरा का पूरा यूनिट, और ये स्पेशियस बेडरूम दोस्तों 1 BHK मास्टर बेड आएगा। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है, 100% RCC का इसका कंस्ट्रक्शन होगा और जीरो वेस्टेज है। आपने पूरा अगर सैंपल फ्लैट अभी देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये जीरो वेस्टेज है, बीच में कॉलम्स या बीच में बीम्स कहीं पे भी नहीं आए हैं, और बाहर के साइड में अगेन हमें बेडरूम में मिल जाती है बालकनी। तो ये बालकनी देखिए दोस्तों, बालकनी के सामने का अगेन बाहर का आपको व्यू मिल जाता है। ये ऑसम प्रोडक्ट RNA डेवलपर्स का है। 1 BHK जैसे मैंने बताया मास्टर बेडरूम, पहला वाला कॉमन वॉशरूम मैंने आपको दिखाया था, अब यह है सेकंड वॉशरूम जो आपके बेडरूम के अंदर रहेगा। वॉशरूम का विड्थ साइज भी अच्छा है, 6x4 का वॉशरूम का स्पेस है, और फिक्स्चर फिटिंग्स जो दिख रही है आपको टाइल्स से लेके फिक्स्चर फिटिंग्स तक सारी की सारी जैसी है वैसी ही मिलेगी, और ऊपर स्टोरेज के लिए वाटर टैंक बिठाने के लिए हमको स्पेस मिल जाता है। दोस्तों पूरी टाउनशिप हमने देख ली, सैंपल फ्लैट देख लिया, क्या मिलने वाला है हमें वो सब मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं कि RNA डेवलपर्स के पास में इन्वेस्ट या रहने के लिए क्यों करना चाहिए। दोस्तों RNA डेवलपर्स जो है ये 60-year-old कंपनी है, इसकी लेगेसी बहुत बड़ी है, अप्रोक्सीमेटली 20,000+ फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन इन्होंने सक्सेसफुली करके दिया है। 20,000+ फैमिलीज ने RNA डेवलपर पे आज तक ट्रस्ट रखा है। वसई एवरशाइन में ईस्ट में ये मिडिल में हार्ट में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ग्राउंड प्लस 7 story का स्ट्रक्चर है, अप्रोक्सीमेटली 350 फ्लैट्स का टाउनशिप है, 50-50 का रेशियो है, 50% कंस्ट्रक्शन, 50% पे आपको पूरा ग्रीनरी और एमिनिटीज मिल जाएंगे। 20+ एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में होंगे। अगर आपको लोन करना है तो 595 का स्कीम है, मतलब 5% डाउन पेमेंट, 95% लोन। तो स्टार्ट करने के लिए अगर आपके हाथ में 1.5 to 2 lakh रुपए है और आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, जंबो कारपेट एरिया है, 450 स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट, यूजेबल कारपेट हमें बालकनी पकड़ के मिल जाता है, और फुल्ली फर्निश्ड होम डेवलपर हमें दे रहा है। फुल्ली फर्निश्ड, कुछ नहीं लाना है, डायरेक्टली घर में शिफ्टिंग करना है और रहने के लिए स्टार्ट करना है, ये बेनिफिट है। स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट, ये आपके कॉम्प्लेक्स के हार्डली 5 minutes के डिस्टेंस पे है। स्टेशन से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शेयरिंग ऑटो हमें अपने गेट से मिल जाता है, बस का फैसिलिटी गेट से मिल जाता है, 15 rupees में आप स्टेशन पहुंच जाते हो, और वसई स्टेशन से लोकल की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। इस फ्लैट का जो कॉस्ट है, अग्रीमेंट वैल्यू होगी, स्टार्ट होती है 33.5 lakh से, पूरा पैकेज दोस्तों अप्रोक्सीमेटली जाता है 36.78 lakh से, और पोजेशन चार्जेस आपको एडिशनल रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको देखनी है, सैंपल फ्लैट देखना है, साइट विजिट करनी है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पे मुझे कॉल कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा दोस्तों मुझे बताइएगा, और हाँ आपके लिए हम प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाते हैं, टॉप डेवलपर्स के टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट्स, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।